शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो टुडेस टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक यू शुड बी क्लियर विद द टर्म ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल आपकी ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं लाइंस एंड ट्रायंगल्स सर्कल्स एंगल्स इस सब में कुछ कंस्ट्रक्शंस होते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शंस मतलब कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग योर ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है स्केल कंपास प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर ये सब यूज करके आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं जो आपके करिकुलम में है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर bisector of a given line segment. Now, perpendicular bisector, perpendicular क्या होता है? Perpendicular मतलब 90 degree, bisector मतलब किसी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में bisect मतलब डिवाइड करे equally. इक्वल डिवीजन बाइसेक्शन मतलब इक्वल डिवीजन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है मतलब 90 डिग्री का एंगल हो और लाइन सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पैरेलल लाइंस का पहला टॉपिक। लाइन सेगमेंट जिसमें जो टू पॉइंट्स के बीच का लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, नाउ आपको एक गिवन लाइन सेगमेंट है कितना भी हो सकता है। आपको दिया होता है 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, 8 सेंटीमीटर का बनाओ, कितना भी हो सकता था। यू विल स्केल यूज योर रूलर, जितना भी दिया होगा वो आप ऐसे प्लेस करके बना लेंगे। बना लिया, सपोज कीजिए आपको 10 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मेरे साथ साथ बनाओ 10 सेंटीमीटर, रखो स्केल को 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ करो जल्दी। नेम दीज पॉइंट्स एज ए एंड बी। कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं, ए बी नहीं पी क्यू आर एस एम एन एक्स वाई जो मानो वो कर दो। ठीक है, नाउ अब क्या करना है? अब आपका कॉम्पस का यूज आया। कॉम्पस में फिक्स द पेंसिल, पेंसिल फिक्स करना। मैं यहाँ पर पेंसिल बता रही हूँ क्योंकि आपको दिखाना है, आपको विजिबल हो। ठीक है, नाउ क्या करेंगे? कंपास लेंगे, आपकी जो भी आपने लाइन सेगमेंट बनाई है उसके हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा अपने कंपास में मेजर कर लीजिए। हाफ से ज्यादा जितनी भी लंबी बनाई है हाफ आप अंदाजे से मार्क, स्केल स्केल नहीं यूज करना कि हाफ होगा पांच उससे ज्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप कंपास में ले लीजिए। ले लिया, लो सब लोग अपने कंपास में फटाफट। नाउ प्लेस द कंपास नीडल, ये जो नीडल होती है मेटल वाली इसको ए पे पुट करिए और एक आर्क कट करिए अबव द लाइन सेगमेंट। नीडल को ए पे पुट करेंगे और एक आर्क कट करेंगे अबव द लाइन सेगमेंट, ऐसे करो करो कट, फिर एक आर्क कट करेंगे बिलो द लाइन सेगमेंट, करो सब लोग कट। देन क्या करेंगे? वही डायमेंशन, अब इसको हिलाना नहीं, एक नीडल को बी पे प्लेस करो, एक आर्क कट करो ऐसे करके करो। देन एक आर्क कट करेंगे बी पे नीडल को रख के डाउनवर्ड्स द लाइन सेगमेंट, बस हो गया काम। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं इसको नेम कर दो सी, इसको नेम कर दो डी और इसको ज्वाइन कर दो। डिंग 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 डिंग। देखो ये 90 बन गया, 90 बन गया और लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने स्केल नहीं यूज किया, पर आप लोग ज्वाइन करेंगे स्केल से, भाई सीधी कर देते हैं। कोई कहेगा मैम क्या किया है आपने, ये Thank you.
अब ठीक है. सी दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि लाइन आपकी डिवाइड हो जाए टू इक्वल पार्ट्स में एंड 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बने. अब एक और बात इसमें हो सकता है क्वेश्चन में मेंशनड हो, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. स्टेप क्या लिखोगे, क्या स्टेप में कुछ नया करना है? नहीं, जो जो आपने किया है वो लिखना है. आओ मेरे साथ रिकॉल करो क्या किया. ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर एज ए बी, कर ली. नाउ मेजर द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए, मेजर मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी इन योर कंपस, कर ली मेजर. प्लेस द नीडल ऑन ए एंड कट एन आर्क अबव द लाइन सेगमेंट एंड बिलो द लाइन सेगमेंट, कर दिया. Then place the needle on B and cut an arc above the line segment and below, intersecting the arc cut by A. ठीक. Now join the intersection of both the arcs above the line and below the line. You get the required perpendicular bisector. I hope this is clear with steps. Now I come to next topic. Now the next is construction of bisector of an angle. Bisector अभी बताया था जो divide करे two equal parts में, वहां पर क्या था perpendicular bisector of line, तो line को two equal parts में divide करना था. यहाँ है bisector of an angle, angle को two equal parts में divide करना है. Angle आप सब लोगों के कोर्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल भी है, एंगल भी आपको इससे कंस्ट्रक्ट करना है. क्या है उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120, 135, 155, 180 डिग्री, सारे एंगल्स आपको इससे कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. मेरा एक वीडियो है जिसमें सिर्फ मैंने सारे एंगल्स बताए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स का. Watch in the series. I'll share the link also in the description. Watch कीजिएगा in construction के बाद. अब suppose कीजिए आपको question दिया है construct the bisector of an angle measuring 80 degree. Angle ABC given है आपको 80 degree. आपको उसका bisector बनाना है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने. अब इस लाइन का जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पर आप क्या करेंगे, एक ये प्रोटेक्टर रखेंगे. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर का सेंटर जो होता है वो रखेंगे. और देखिए जो स्केल है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 पे एक पॉइंट बना लिया आपने, बना लिया. अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से 80 बना लेंगे. ये देखिए ये रही आपकी 80 की, मैंने ये एंगल बना दिया 80 डिग्री, बन गया सबका 80. बनाओ अपने साथ साथ, बिल्कुल याद हो जाएगा अगर मेरे साथ साथ आप सबने बना लिया, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा. नाउ आप क्या करेंगे, आपको 80 डिग्री का बाइसेक्टर करना है. सबसे पहले तो आप एक मेजर ले लीजिए, कितनी मेजर ले लीजिए इसमें कंपास में, छोटी सी कितनी भी हो, नापना वापना नहीं है. क्या करेंगे, यहां पर पुट करिए इस पॉइंट पर और एक ऐसे करके आर्क कट कर दीजिए. देखिए सब लोग कॉपी में करिए, ऐसे करके एक आर्क कट कर देंगे. आर्क कट हो गया, सी सबका आर्क कट हो गया, ठीक है. अब जो ये मेजर थी आपकी, आप क्या करेंगे, इसी मेजर से यहां से एक आर्क कट करेंगे, यहां से एक आर्क कट करिए, अपनी कॉपी में कीजिए अच्छे से आ जाएगा. ये आर्क कट किया, फिर इसी मेजर से यहां से ये आर्क कट कर दिया. देखिए ये जो आपने आर्क लगाया था उसी मेजर से यहां से इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये बी, ये जो पॉइंट है ए, बी से एक आर कैसे कट किया, ए से एक आर, नीडल पे को ए पे रख के ऐसे कट कर दिया, ठीक है.
अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इसको जरा ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था इससे मिला दो। स्केल यूज करना सब लोग। सी दिस 80 का बाइसेक्टर कितना अच्छा लग रहा है। आधा ये दोनों पार्ट इक्वल है। 40-40 में डिवाइड हो गया एंगल। आई होप आप समझ गए लाइन को डिवाइड करना बाइसेक्टर ऑफ लाइन देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट टू गिवन एंगल। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी के मेरे दो पार्ट्स हैं, वीडियो है आप लोग वॉच कीजिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है। सिमिलर एक चीज दूसरी के सिमिलर हो। अब आपको एक एंगल गिवन है उसके सिमिलर आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले BC जो लाइन सेगमेंट गिवन है ये आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन सेगमेंट सेम आपने ड्रॉ कर ली PQ। अब सेकेंड स्टेप क्या है आप यहां से एक ये क्या करेंगे आर्क कट कर देंगे ऐसे। ये आपने आर्क कट कर दिया सी दिस ये आर्क आपने कट किया है ये ठीक है ये आर्क कट कर दिया नीडल को बी पे रख के। अब क्या करना है यहां पर आप नीडल रखेंगे और ये जो मेजर है इसको मेजर कर लेंगे। पहले तो अच्छा सबसे पहला स्टेप जो आपने ये आर्क कट किया था ये वाला सेम आर्क आप यहां पे भी कट करेंगे। जो आपने वहां पर कट किया आप यहां पर भी करेंगे सी दिस ये आर्क हमने कट कर लिया ठीक। अब यहां पर नीडल को रख के ये जो आपका डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेंगे। मेजर कर लिया कर लिया कर लिया। नाउ यहां पर इसको रख के ये आर्क कट हो गया जितनी मेजर थी वो आर्क कट कर दिया ये देखिए ये। नाउ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच दीजिए देखिए। स्केल यूज करना सब लोग। नाउ सी दिस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। क्या करना है सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी यहां से एक आर्क कट किया यहाँ पे नीडल रख के ये मेजर कर लिया वही मेजरमेंट का यहाँ पर आर्क कट किया जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। आई होप आप समझ गए। स्टेप्स आप लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप जो कर रहे हैं वो लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ वो करते जाइए सब समझ में आएगा। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Now the next is construction of perpendicular line to a given line segment. एक लाइन सेगमेंट गिवन है आपको उस पे परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जो लाइन को दो पार्ट में कट कर रहा था यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है कि लाइन है इस पे आपको ऐसे करके परपेंडिकुलर बनाना है। आई होप आप समझ गए क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये लाइन गिवन है कितनी भी आपको गिवन हो सकती है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जितनी भी गिवन हो आप वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से ठीक है। ड्रॉ कर लिया आप जो भी लाइन आपको जितनी भी दी होगी सपोज कीजिए 8 10 6 उसका सेंटर पॉइंट पी आप सेंटर पॉइंट बना लेंगे पी। अब क्या करेंगे इस पी पॉइंट पे देखिए इस P पॉइंट पे आप इधर एक आर्क कट कर लेंगे इस साइड ऐसे करके सी। नाउ इस P पॉइंट पे आप इधर एक आर्क कट कर लेंगे ऐसे करके ये कट कर दिया। इस P पॉइंट पे इधर से ऐसे एक इधर भी आर्क कट कर देंगे कर दिया कर दिया कर लो सब लोग। नाउ अब आप इसमें एक मेजर लेंगे कंपास में और यहां से ये जो पॉइंट आया था M N ये पॉइंट था M ये N यहां से आप एक आर्क ऐसे करके कट करेंगे देखिए ऐसे ये
फिर एन से एक आर्क आप ऐसे करके कट करेंगे ये। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, दिस दिस दिस, इस पॉइंट को मिला दो, ये 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 स्केल से मिलाना। ये देखो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। क्या करना था, लाइन बनाई उसके सेंटर पॉइंट से, एक आर्क ऐसे कट किया, एक आर्क ऐसे कट किया। आप जो ये कट पॉइंट्स आए थे M, इससे ऐसे करके एक आर्क ये कट किया, N से एक आर्क ये कट किया। ये जो इंटरसेक्शन आया था इसको इससे मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, गिवन लाइन का परपेंडिकुलर बन गया। आई होप आप समझ गए। Now I come to next topic. Now see, next is construction of parallel lines. पहले मुझे बताओ parallel lines क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है, मेरा एक वीडियो भी है। ऐसी lines जो कि जितना भी आप extend करो इधर या इधर या इधर या इधर कभी भी intersect नहीं करेंगी। Intersect मतलब cut नहीं करेंगी, और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर जगह सेम होता है। जैसे 1 meter है तो 1 meter ही रहेगा। रेलवे ट्रैक इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन, मैंने वीडियो में पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सो हमें पैरेलल लाइंस बनानी है, कैसे बनाओगे जरा बताओ। लोग साथ साथ ड्रॉ करो, बहुत आसानी से आ जाएगा, वरना घूम जाओगे। नाउ ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये लाइन गिवन है आपको और एक ही पॉइंट पी गिवन है आपको, इस पॉइंट से पास होते हुए पैरेलल लाइन बनानी है। कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम, ड्रॉ अ लाइन कटिंग फ्रॉम पॉइंट बी कटिंग ए बी एट एन एक्यूट एंगल। अब एंगल पे आ जाओ, एक्यूट एंगल क्या होता है? अभी मैंने ट्राइंगल पढ़ाए थे उसमें एक्यूट एंगल बताया था। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, है ना, और 90 वाला राइट एंगल और 90 से बड़ा वाला ऑब्ट्यूस एंगल। याद आया? आ गया। तो एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी से। देखो एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें? ये जो हमारा कंपस है अब इसका काम है। कंपस से आपको यहां से कोई भी मेजर ले लो, एक आर्क कट करना है ऐसे। कंपस से एक आर्क कट कर दो, ये कर दिया। जो आर्क आपने यहां पर कट किया वो ही आर्क आप यहां पर भी कट कर दो। कर दिया, कर दिया आपने। यहाँ P से भी वही आर्क आप कट कर दो, जो आर्क आपने इधर कट किया P से भी कर दिया, पूरे में ऐसे करके ऐसे आर्क कट कर दिया। अब ये जो ये पॉइंट आया है, ये और ये, इसको नाप लो। कैसे नापोगे? यहां से ये रखो और ये रखो, ये नाप लिया ये पॉइंट, ये पॉइंट इतना है आपका, ये डिस्टेंस। अब आप क्या करोगे, यहां से ये जो आपका आर्क था इस पे एक कट लगा दोगे, ये आपने एक कट लगा दिया। ये जो डिस्टेंस था आपका, ये यहां से यहां, यहां पे रख के आप एक कट लगा दोगे, ये आर्क आपने ये बना दिया। अब देखो ये जो इंटरसेक्शन आया था इसको पॉइंट पी से ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो। देखो पैरेलल लाइन बन गई। दे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब इक्वल है, दिख रहा है पैरेलल लाइन कितनी अच्छी बनी है। नाउ देखो फिर से रिकॉल करो क्या किया। लाइन गिवन थी, बना ली, पी पॉइंट गिवन था, बस पी पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया एबी पे। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, कितना भी कर दो 80 60, ठीक है, आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। नाउ यहां से एक ये आर्क आपने कट किया, जो ये आर्क आपने कट किया वो आपने यहाँ पी से भी कट कर दिया, कर दिया। नाउ अब आप इसको यहां से इसको मेजर कर लो, यहां से इसका कितना डिस्टेंस था, जो भी डिस्टेंस था वो यहाँ पे आप आर्क पे प्लेस करके ये आपने
आर्क बना दिया और जो ये दोनों इस पॉइंट थे इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, यू गेट द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। आई होप आप समझ गए। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, देन आई हैव टोल्ड यू परपेंडिकुलर टू अ लाइन, देन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड देन आई हैव टोल्ड यू पैरेलल लाइंस। अब इसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स भी है, 30, 60, 90, 120, 180, 150, 135, 145 सारे एंगल्स का एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग द सीरीज, बाय बाय। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.